शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यायनगम्यं वंदे विष्णुभावहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं बीड़ा को बजाती मंद मंद मुस्काती चारु शारदे विशारदे को प्रथम मनाऊं दूजे दुख हारी गणनायक विनायक को चरण सरोज निज शीश पर चढ़ाऊं मैं करके फिर वंदना श्री अंजनीक नंदना की श्री सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं मैं श्री सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं मैं प्रेम से बोले विष्णु भगवान की बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की धर्म प्रांगण में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली सभी हमारी देवी स्वरूपा देवियां भारत के होनहार कुसुमित न कुसुम बालक बच्चे इस धर्म पंडाल में पधारे हुए सभी हमारे ज्ञानी ध्यानी श्रोतागण एवं सभी हमारे नौजवान साथी बालक बच्चे बड़ा सुंदर समय मिला तीन दिवस के लिए भगवान भोलेनाथ के दरबार में तीन दिवस का समय जो मिला वो बड़ा अनमोल समय मिला नाना प्रकार की कथाओं का रसास्वादन आप लोगों ने किया आइए थोड़ा सा समय बचा है सत्संग का तो चलते चलते दो बार उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम लिया जाए और आत्मा को पावन किया जाए तत्पश्चात भगवान की पावन श्री हरि कथा की तरफ आप लोगों को ले चलने का प्रयास एक बार जोश के साथ जयकारा बोलो दो बार मन अंतःकरण वाणी को शुद्ध करें आत्मा को पावन करें और फिर भगवान की पावन चर्चा प्रोसरण करेंगे एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलो सभी लोग बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की दो बार भगवान नाम सुन करें सभी लोग बोलेंगे भैया लोग और सभी देवियां कहा गया ना जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया सूर्या वाले
वाले मुरलिया वाले खड़े की बंसी मैं तो शाम तेरे मुखड़े की बंसी तो शाम तेरे मुखड़े की बंसी चाहे जहां बजा ले हो चाहे विष्णु भगवान की। अब एक छोटा सा कीर्तन सुनो भगवान के चरणों में और तत्पश्चात आगे अग्रिम चर्चा। एक छोटा सा कीर्तन कबीर साहब का लिखा है ना, ये शरीर बड़े मुश्किल से मिला है, केवल कमाने खाने बनाने के लिए शरीर नहीं मिला है, खुद यहाँ बनाओ लेकिन कुछ ऐसे कर्म किए जहाँ जो आगे का रास्ता भी बने। अगर जैसे शरीर मिला है ऐसे चले गए तो लिखा है क्या, दाग पिया मोरी चुनरी ना पड़ी गयो, दाग पिया मोरी चुनरी ना पड़ी गयो, दाग पिया मोरी चुनरी ना पड़ी गयो, दाग पिया मेरी चुनरी ना पड़ी गयो, दाग पिया मोरी चुनरी ना पड़ी गयो, दाग पिया हो दाग पिया मोरी चुनरी कहाँ है परमात्मा के घर से सुंदर शरीर मिला है। ससुरे में मनवा सब खोई दिया मोरी चुनरी माँ पर छूटे मली मली धोए
चुनरी माँ परी गयो ताग पिया साधो यानी समझो कहत कबीर सुनो भई साधो करो भजन सुख पई है जिया मोरी चुनरी बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग बोलेंगे भैया लोग आत्मा को पावन करिए। सभी लोग बोले वृंदावन धाम से आवाज आई राधे राधे वृंदावन धाम से आवाज आई भगवान की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। अब आइए बड़े प्रेम के साथ में भगवान की पावन चर्चा आप लोग श्रवण करें समयानुसार। देखो प्रसंग है, अगर आप परमात्मा के अधीन रहते हो, परमात्मा के सहारे रहते हो, परमात्मा के अधीन रहते हो, परमात्मा के सहारे रहते हो, तो परमात्मा कैसे हमारी आपकी रक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसी बाबा जी दर्शाते हैं भगवान हमारी आपकी कैसे रक्षा करता है। लिखा है स्वामी जी लिखते मानस में करें सदा तिनकी रखवारी करें सदा तिनकी रखवारी जिमि बालक राखई महादारी परमात्मा कैसे रक्षा करता हमारी आपकी। करें सदा तिनकी रखवारी और जिमे बालक राखे महतारी। परमात्मा कैसे रक्षा करता हमारी आपकी। देखो हर वक्त हमारी आपकी रक्षा परमात्मा करता है। सुबह से सुबह तक 24 घंटा होते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। इस 24 घंटे में एक बार परमात्मा के दर्शन हमको आपको अवश्य होते हैं। और जिस दिन परमात्मा के दर्शन हो तो भोजन पानी तक नहीं नसीब होगा।
24 घंटे बीत जाए आपको भोजन पानी नसीब ना हो तो आप समझ लें आज मैंने परमात्मा से बहुत बड़ा गुनाह किया है जो आज हमको ये सजा मिल रही है। परमात्मा 24 घंटे में एक बार दर्शन जरूर देता है और एक बार 24 घंटे में इतने लोग बैठे हो हर व्यक्ति के मुखारविंद से एक ऐसी बात निकलेगी 24 घंटे में जो अमृत वाणी होगी। सभी लोग बैठे हो 24 घंटे में एक बार अपने मुख से ऐसी बात निकलेगी जो अमृत वाणी होगी। जो तुम कह दोगे वही होगा लेकिन जान नहीं पे हो कि अमृत वाणी निकलने कब जा रही है। इसीलिए तो कहा जाता है वाणी को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया सुंदर वाणी मुखारविंद से बोलना चाहिए क्योंकि ना जाने किस समय कौन सी अमृत वाणी मुख से निकल रही है रात दिन में और हम नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए परमात्मा जैसे बहुत से हम आप लोग अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करते हैं। मान लीजिए बैंक में बहुत सी बैंकें हैं लेकिन बैंक में अगर दूने में पैसा जमा किया जाए मान लो 5,000 हम दूना में जमा करते हैं तो बैंकें कितने साल में दूना देती हैं? कोई कोई बैंक 7 साल में, कोई 5 साल, कोई 6 साल। मान लीजिए हम 5 साल में बैंक पैसा दूना देती, 5,000 का 10,000 देगी लेकिन ये जो भगवान की बैंक है 3 दिन आप लोगों ने जो कुछ जमा किया है क्या जमा किया है? तन मन धन 3 चीजें हैं। शरीर वो भी आप लिए बैठे हुए यहीं पर 3 दिन, मन भी भगवान के चरणों में लगाए हो और अपनी श्रद्धा भी भगवान के चरणों में, धन भी अर्पण कर रहे हो। नहीं धन हमारे पास वस्त्र हैं, कपड़े हैं। एक बार बता दें वस्त्र दान करने से जीवन में कभी भी कपड़ों की कमी नहीं रहती। जो चीज दान में दे दी जाती है वही तो पाओगे। समय दान किया तो समय मिलेगा, भगवान आपको देगा। धन दिया है तो धन भी देगा। मन भी भगवान के चरणों में लगाया तो मन से भी परमात्मा की भक्ति हो सकती है। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की। आइए, बात क्या चल रही थी? चर्चा चल रही थी कि परमात्मा कैसे रक्षा करता हमारी आपकी, करे सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। जैसे छोटा सा बच्चा है परमात्मा हमारी आपकी देख रेख कैसे करता है? जैसे छोटा सा बच्चा है गोदी में, बच्चा रोने लगे, माँ का दूध ना पिए, मैया कितना परेशान हो जाती कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कहीं बुखार तो नहीं, कहीं सर्दी तो नहीं लग गई है ना, नाना प्रकार से जब तक बच्चा शांत नहीं होता तब तक माँ परेशान रहती। उसी प्रकार से अगर आप भगवान के सहारे हो तो परमात्मा कैसे रक्षा करता है? जैसे छोटे से बच्चे की देखरेख माँ करती है। आओ देखो वस्त्र दान करने से किसको क्या मिला, आज का विषय यही है। हम भगवान के चरणों में रुपया पैसा नहीं जमा करते, केवल वस्त्र दान दे रहे हैं और वस्त्र दान करने से महाभारत के अंदर किसने वस्त्र दान किया था देखो प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान कन्हैया शिशुपाल के ऊपर 17 बार चढ़ाई किया लेकिन बराबर हारते रहे। कर्म करो फल की इच्छा न करो। आज के जमाने में हम फल तुरंत लेना चाहते हैं लेकिन कर्म अगर बढ़िया है तो फल बढ़िया मिलेगा है ना। भगवान कन्हैया 17 बार शिशुपाल से हारे लेकिन 18वीं बार फिर चढ़ाई किया और जब 18वीं बार चढ़ाई किया तो शिशुपाल को मार गिराया। शिशुपाल को मार गिराया
लेकिन युद्ध करते समय भगवान कन्हैया के हाथ में कहीं सुदर्शन चक्र लग गया, उंगली में खून की धारा बह रही है। अस्त्र शस्त्र है, लाइसेंस है, रिवाल्वर बंदूक है ना, ये लाभदायक भी है हानिकारक भी है। अस्त्र शस्त्र है, ये मोटरसाइकिल है, जितने लाभदायक है उतना चूक जा तो हानिकारक भी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। युद्ध करते समय भगवान कन्हैया के हाथ में सुदर्शन चक्र लग गया, खून की धारा बह रही है। वापस अपने द्वारिकापुरी आए, भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी के राजा है। 16,108 रानियां हैं कन्हैया जी के, सब हाय हाय चिल्ला रही, हाय हाय कह रही है, और दवा धर्मुट करने वाला कोई नहीं। उसी समय अर्जुन के साथ में द्रौपदी भगवान कन्हैया की मुलाकात करने आई, लेकिन जैसे द्रौपदी आई कन्हैया की हालत को देखा, खून बह रहा है, कान्हा के दर्द हो रही है, परेशान हो रहे हैं, हम आपकी मुलाकात करने जाएं, आपके चोट चपेट लगी हो तो मुलाकात होगी लेकिन भाव को भाव हो जाएगा भाई। द्रौपदी ने जब देखा कन्हैया के पीड़ा ज्यादा हो रही है, 16,108 रानियां कोई कुछ उपाय नहीं कर रही हैं, द्रौपदी से देखा न गया। कन्हैया की आत्मा द्रौपदी ने समझ लिया कि कन्हैया के बहुत दर्द है। काश्मीर की 11,000 की साड़ी पहने थी, इस समय हम तो 11,000 बता रहे, इस समय 50,000 तक साड़ी आ रही है, और काश्मीर की साड़ी सबसे सुंदर होती है। काश्मीर के रहने वाले लोग और काश्मीर की नारियां अगर संसार में विश्व में सबसे सुंदर हैं तो काश्मीर का ही आदमी है। काश्मीर की फसला सुंदर साड़ी पहने थी द्रौपदी, जब किसी को कुछ करते न देखा तो साड़ी को पकड़ा और 4 इंच की पट्टी फाड़ दिया। देखो पैसा नहीं जमा कर रही, 4 इंच की पट्टी फाड़ डाला द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी, और पट्टी फाड़ करके द्रौपदी जी क्या करती हैं, भगवान कन्हैया के हाथ में पट्टी बांध देती है। पट्टी बांधी कृष्ण के दीना, द्रौपदी जी ने 4 इंच की पट्टी फाड़ करके कन्हैया के हाथ में पट्टी बांध दिया। जरा सोचो, आप रास्ते रास्ते जा रहे हो या घर पर बैठे हो, आपके चोट लगी हो, खून की धारा बह रही हो, कुछ दवा दरमुट न करो, खाली कपड़ा लेके अगर हाथ में बांधो तो खून बहना भी बंद हो जाएगा और कुछ हल्की फुल्की दर्द भी कम पड़ जाएगी। द्रौपदी जी ने अपनी आन बान ठाट बाट नहीं देखा, साड़ी को फाड़ करके कन्हैया के हाथ में पट्टी बांध दिया। जरा सोचो, आपके चोट चपेट लगी हो, रास्ते रास्ते जा रहे हो, और कोई औरत या कोई लड़की अपने शरीर का कपड़ा फाड़ करके तुम्हारे हाथ में अगर बांध दे तो आपका और उस लड़की का रिश्ता कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
भाई और बहन का। मुसीबत के साथ में बहन काम देती है। आप घर में भाई बहन हो और भाई कोई मारे लगे, बहन हो बोलिए कि नहीं बोलिए। भाई की बराबर, अब हम आप इंसान हैं, मानो हैं, बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बार अपने प्राण गंवा सकती है भाई को बचाने के लिए। लेकिन आज के जमाने में ये भैया लोग बैठे हैं, कोई लड़की जा रही है फौरन बहन बना लेते हैं। हमने देखा है भैया लोग फौरन बहन बना लेते हैं, और ये लोग बैठी हैं, कोई लड़का जा रहा है उसको फौरन भाई बना लेंगे। मैंने बोला है किसी को इस मुख से बहन कहना तो आसान है, किसी को इस मुख से भाई कहना तो आसान है, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। और जो कहो सो करो जरूर, जो कहो वो करके जरूर दिखाओ। यही तो एक तपस्या है, यही पूजा है। आज के जमाने में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं? कहना आसान है लेकिन करना निभाना आसान नहीं। भगवान कन्हैया ने 16108 रानियों के बीच में रिश्ता बनाया, द्रौपदी को बनाया। क्या बनाया? जब अपनी साड़ी फाड़ के पट्टी बांध दिया कन्हैया के हाथ में, 16000 रानियां बैठी। और एक बात और बता दे, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई आदमी हो, कोई हो, रिश्ता जो बनाओ औरत के सामने, उसमें फिर फर्क नहीं पड़ेगा कभी जीवन में। रिश्ते जो भी बनाओ औरत की जानकारी में होना चाहिए, कभी जीवन में फर्क नहीं पड़ सकता है। रिश्ते फर्क वो पड़ते हैं जो हम घर में छिपा करके रिश्ते बनाते हैं। जो घर में छिपा करके हम रिश्ते बनाते हैं उसमें फर्क आता है। भगवान कन्हैया 16108 रानियों के बीच में कहा, क्या बनाया द्रौपदी को रिश्ता? कहने लगे, जाओ बहन, आज से तुम कौन मेरी बन रही हो? तुम मेरी बहन बन रही हो, हम तुम्हारे भाई बन रहे हैं। कोई सगे ना है लेकिन कहे सुनने वाले भाई हैं। अपना कौन जो कामे आवे तो। भगवान कन्हैया क्या बोले द्रौपदी से? जा द्रौपदी आज से तू बहन मेरी, मैं भ्रात हुआ, ये बंधन का भाव निभाऊंगा। पैसा तो नहीं दे रहा हूं लेकिन याद रख ले, जिस समय मुझे तू याद करे, हम चाहे जहां हो, जिस समय मुझे तू याद करे, मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई बन रहा हूं।